नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज है भाई कृष्ण जन्माष्टमी, तो आज कुछ करने वाले हैं भाई नया। ये देख रहे हो भाई, ये नारियल का वो ऊपर का खोल खोल हमने निकाल रखा है। इसमें लगाएंगे प्लांट और ये एक ऐसा दूसरा और तैयार करेंगे। तो पहले तो नारियल का पानी निकालते हैं आज, उसके बाद थोड़ा काम करना है कि भाई आज कृष्ण जी को भी थोड़ा नीला दिला के तैयार करेंगे। तो हमने एक और परचेज किया है नया जन्माष्टमी के दिन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, इस जन्माष्टमी ये परचेज किया है, क्योंकि मैं लगभग हर जन्माष्टमी एक इसका चाहे पोस्टर हो कृष्ण जी का या फिर मूर्ति हो, मैं लगभग परचेज कर ही लेता हूँ। तो मेरे पास 6-7 ऐसे बहुत से इकट्ठे हो रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से हैं। स्टिकर बैनर वगैरह जो भी हैं मैं आपको दिखाऊंगा। और ईमानी तो लग रही है खेलने के इससे, क्योंकि एक तो हमने तैयार कर लिया है और दूसरा और तैयार करेंगे। फिर इसको एक्वेरियम वाले जो प्लांट मैंने बाहर लगा रखे हैं उनको इसमें शिफ्ट करेंगे और फिर इसको एक्वेरियम में लगा देंगे, क्योंकि ये कोकोनट का बढ़िया काम करता है भाई, ज़्यादा ये नुकसान भी नहीं करता बाहर के उनको, और पौधे भी अच्छे ग्रोथ करते हैं इसमें। तो चलिए फिर पहले तो नारियल का पानी निकाल के दूसरा ऐसा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद भाई इसको नहलाएंगे या फिर एक्वेरियम के प्लांट को इसमें लगा के शिफ्ट करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, आ जाइए। और भाई मैंने व्रत भी कर रखा है। व्रत करने का एक फ़ायदा यह है कि भाई घर वाले कहते हैं कि भाई काम मत करो ज़्यादा, तो बस ज़्यादा हार्ड काम करवाते नहीं हैं। तो आज मैं बस पूरे दिन यही करूँगा और ये एक्वेरियम के प्लांट शिफ्ट करूँगा और बस इनको नीला दिला के इनको तैयार करेंगे शाम की पूजा के लिए। और फिर मिलते हैं भाई आपको सब करने के बाद रात के 12 बजे, जब व्रत खोलेंगे उस टाइम मिलते हैं। ये वाला है भाई सबसे पुराना, सबसे पहले मतलब मैं ये लेके आया था। उसके बाद ये सब हैं बैक फ्लो फाउंटेन वाले, इसमें वापस जो धुआं आता है, मेरे पहले वीडियो भी डाल रखी है, देखना चाहो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसके बाद ये हैं, तो एक ये हो गया, दो ये हो गए उसके बाद के। और अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, जो कौन कौन से हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो तीन तो ये यहाँ पे हो गए, और ये वाला भाई तकरीबन 3 साल पहले का है। ये बैनर था, उसको काट के मैंने और इस तरह इसको शिफ्ट कर लिया। देखो बहुत बड़ा था जिसको चिपका लिया मैंने, यहाँ पे बैनर था वैसे लटकाने वाला, और ये बड़ी साइज में था। ये देखो कितना बड़ा है, ये लगभग 3 साल पुराना भाई हो गया। और उसके बाद का है ये वाला, नहीं ये तो पिछले साल लेके आया था। उसके बाद का है ये वाला, सबसे पुराने तो मैंने नीचे आपको मंदिर में दिखा दिए वो रखे थे। और उसके बाद का ये 3 साल ये बैनर ये है, और उसके बाद का है ये, और इसके बाद का है ये, और ये हम लेके आए हैं बिल्कुल नया। और एक ये लग रहा है, ये है लगभग भाई 2 साल पुराना, ये है अमेजोन से मैंने स्टिकर मंगवाए थे दीवार पे लगाने वाले, तो ये वो है। देखो बहुत पुराना हो गया, ये उपड़ने भी लग गया, और ये ऐसे उखड़ जाएगा। तो भाई अब इसको फिर अटक किया तो दूसरा लगाऊंगा, पर वैसे भाई ये उखड़ने लग गया है। देखो ये स्टिकर है, मिलाएंगे भाई पहले अपने कृष्ण जी को, तो मैं अपने जितने भी हैं सबको इकट्ठा कर लेता हूँ और पहले इनको नहलाएंगे, उसके बाद देखेंगे एक्वेरियम का कुछ प्लांट शिफ्ट करने का देखेंगे इसमें। तो ये सारे ये गणेश जी है भाई, पत्थर का कटा हुआ संगमरमर से बना हुआ है। अपने को चाहिए भाई थोड़ा सा सरफ, तो पहले सरफ ले लेते हैं थोड़ा। ये डाबर लावण भास्कर चूर्ण नहीं है भाई, इसके अंदर है सरफ। मैं आपको दिखाता हूँ अभी खोल के, ये देखो ये डब्बा खाली हो गया, तो सरफ डालने का काम ले लेते हैं थोड़ा। तो थोड़ा बाल्टी में सरफ डाल लेता हूँ, फिर इसी में कर लेंगे काम।
तो भाई चलो अब निलाते हैं इनको। इनको ज़्यादा साफ़ नहीं करेंगे भाई, क्योंकि इनके ऊपर की ये जो मिट्टी है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक सी लग रही है, ये उतरने के बाद इसका ये बैक फ्लो जो स्मोक वाला है, वापस नीचे आने वाला, वो बढ़िया काम नहीं करता। तो इसको बस नॉर्मल पानी से साफ़ करेंगे और बस इतना ही करेंगे इसका, वरना ये उतर जाएगी तो इसमें ये धुआं वापस नीचे नहीं आएगी इसकी। मेरे पास वो कॉर्न निमड़ गए इसके धूप वाले, वरना मैं आपको ये लाइव दिखाता किस तरह से काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होता है। और जी भाई, मैंने सभी के सभी अपने कृष्ण जी को नहा के और बिल्कुल तैयार कर लिया है। देखो ये है मेरे पास 3 और 3 6 अलग अलग डिज़ाइन के, और अब भाई नहला तो दिया इनको, अब गंगा जल से एक बार इनका जलाभिषेक कर देते हैं सभी सभी का। और बस बिल्कुल अब ये फाइनल हमने कर दिया इनको, नहला धुला के तैयार, और गंगा जल से भी अभिषेक कर दिया इनका। और अब हम भाई निकालेंगे नारियल का पानी और इसके बाहर इस खोखले को तैयार करेंगे पानी निकाल के। तो पेचकस चक्कू वगैरह अपने धर लेते हैं, क्योंकि पहले पानी निकालेंगे, आरी भी चाहिए, इनमें पानी डालेंगे। चलो पहले पानी निकालते हैं इनका। तो भाई पेचकस, ये देखो इसकी दो आँखें और ये मुंह देखो कैसा दिख रहा है, बंदर के जैसा, क्या बात है यार। नारियल के भी भाई आँख मुंह बन रहे हैं, देखो लगभग सभी के होता है ये। तो भाई अब मैं इसकी आँखें अभी फोड़ देता हूँ। और दो करने पड़ेंगे भैया आपको, क्योंकि एक में करोगे ना तो इसमें पानी नहीं निकलेगा, हवा पास नहीं होती। इसकी शक्ल तो देखो भाई, बिल्कुल ये समझो बंदर जैसा लग रहा है। अब मैं इनमें दो सुराख करूँगा तब जाके बिल्कुल बढ़िया पानी निकलेगा, अब देखना तुम। एक से करने से हवा पास नहीं होने के कारण भाई पानी बाहर निकलता ही नहीं है उसका। भाई ये हार्ड, एक में तो बढ़िया सुराख निकलेगा लेकिन एक बड़ा हार्ड है, थोड़ा वो नहीं निकल रहा, तो इसको और निकालेंगे कस नहीं रहा। दूसरे के अंदर और देख के देखते हैं इसमें हो जाएगा, तो इसमें हो गया भाई। अब मैं इसका पानी निकाल देता हूँ कटोरी के अंदर। ये भाई एकदम बढ़िया तरीके से पानी निकल रहा है, फर्स्ट क्लास। कटोरी तो नहीं भरेगी शायद, पानी थोड़ा ही है, बस इतना ही है पानी इसमें। बस खत्म। और अब भाई इसका खोपरा हम अंदर का निकाल के नारियल और बिल्कुल खोखला कर लिया तैयार पौधा लगाने के लिए। अब ये बिल्कुल बस इसको ब्रश से बाहर, लोहे की ब्रश यदि आपके पास हो तो बाहर की ब्रश से रगड़ते हैं इसको, ये बिल्कुल बाहर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, फिर ज़्यादा ये एक्वेरियम को गंदा नहीं करेगा। तो भाई फाइनली रूप से हमने ये दो
नारियल के खोखले तैयार कर लिए हैं। अब इनमें लगाएंगे अपन प्लांट। एक में ये देखो नारियल का भूसा भरा है थोड़ा, ये निकाल के हम खाद में मिला लेंगे, क्योंकि ये एक बढ़िया जो भूसा होता है नारियल का वो एक बढ़िया कोकोपीट के रूप में काम करता है खाद का, तो पौधे की जड़ें वगैरह बढ़िया ग्रोथ करती है इसमें, तो ये खाद में मिला लेंगे। और चलो अब बाहर हैं अपने वो पौधे, प्लांट बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, उनको इनमें शिफ्ट करके और अपने फिर एक्वेरियम में लगा देंगे इसमें। तो चलो फिर भर लेते हैं अपना मिट्टी बढ़िया सोइल खाद की, और इनमें फिर लगाएंगे प्लांट दोनों में। और ये देखो प्लांट हैं बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, वही देखो अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, बढ़िया नई नई पत्तियां भी निकल रही हैं। तो चलो मैं इनको तैयार कर लेता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे। और ये पौधे लगा के भाई हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई ये कैसे पौधे लगा रहा है, वाह भाई क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं, बस ये इसमें ग्रोथ बढ़िया होनी चाहिए, बस ये देखो दोनों क्या ज़बरदस्त शो दे रहे हैं, एक नंबर की भाई। अब भाई ये लगो और चीज़ नए लगो भाई, लग बिल्कुल बढ़िया रहे हैं एकदम। और अब आए हैं हम भाई खेत में जाटी लाने के लिए। जाटी मतलब भाई खेजड़ी, आप समझते होंगे जन्माष्टमी के दिन जाटी की पूजा होती है, तो मैं जाटी लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ और ये काट के और लेके चलता हूँ, और घर जाके भी भाई वो जाटी बनानी है। तो चलो फिर जल्दी चलते हैं घर और वो जाटी बनाते भी हैं, और इसको फिर पूजा वहीं रख देंगे इसको पूजा करने के लिए। चलो अब जाटी बना देते हैं, ये देखो पहले की बनी हुई है, तो जाटी बनाते हैं पहले। तो ये लो भाई जाटी हो गई तैयार, और अब गोगा और बना देते हैं भाई, कल गोगा गोगा जी की भी पूजा है, तो ये गोगा जी भी मैं अभी बना देता हूँ। जो घोड़े पे बैठा ये नीचे देख लो पहले का बना रखा है, तो इसको घोड़े पे बिठाना पड़ेगा, तो घोड़ा बनाएंगे पहले तो, क्योंकि ये नाग देवता वाले गोगा जी हैं जो जिनकी नागों से रक्षा के लिए पूजा की जाती है, तो इनको घोड़े पे बिठा के बनाएंगे भाई। ये लो भाई गोगा जी हो गए तैयार बिल्कुल, और अब पूजा के लिए सब कुछ तैयार है काम भाई। जाटी मैं लेके आया हूँ, अब ये जाटी रख देते हैं अंदर चल के भाई मंदिर के पास, और ये बची हुई भाई राखी हम इन जाटी पर ये टांगते हैं, और जब बारिश होगी या फिर बहते हुए पानी में इसको बहा देंगे, चाहिए अपने गाँव के जोड़ तालाब में कहीं भी बहते हुए पानी में ये डाल देंगे, ज़्यादा बारिश होगी तो उसमें बहा देंगे। और अब करते हैं भाई हम चरणामृत बनाने की तैयारी। ये भाई चरणामृत का सामान है, प्रसाद के तौर पे बनाएंगे, और फटाफट अब इसको कर लेते हैं तैयार, क्योंकि अब रात को 12 बजे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम भाई घर पे ही बना लेते हैं। अब भाई जैसा बनता है वैसे ही हम फटाफट इसको बना लेते हैं। अब देखने वाले कोई नहीं कहेंगे कि भाई ये ऐसे नहीं बनता वैसे नहीं बनता, भाई ओड़ा बोड़ा राम सोड़ा सब कुछ बस दिल में रखो, दिल में भक्ति होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब गलतियां माफ़। तो भाई अब जैसा भी बनेगा वैसा फटाफट इसको बना के और तैयार कर लेते हैं, फिर आपको मिलेंगे रात के 12 बजे भाई, जब इसका प्रसाद का भोग लगेगा तब। ये बनाइए भाई सेवइयों की खीर पकवान के तौर पर प्रसाद के लिए, और इसमें बन रहा है भाई घिया का हलवा,
ये दो चीज़ें भाई हमने बनाई हैं, अब शाम को जब भोग लगेगा तो इन्हीं का ही लगा देंगे। और भाई अब बज चुके हैं 12 रात के, आप देख सकते हो फोन में, बिल्कुल कृष्ण जी का जन्म हो चुका है। अब पूजा करेंगे पहले और भोग लगाएंगे, सब कुछ हम यहीं पे उठा के ले आए। ये देखो पूरा सामान, अब पहले पूजा करेंगे और उसके बाद मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।